नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। बात करेंगे दोस्तों चिकित्सा विभाग की 8 बड़ी भर्तियों को लेकर के। इस वीडियो में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। दोस्तों बताना चाहेंगे, चिकित्सा विभाग की जो 3 जो छोटे केडर है, उन्होंने आज चिकित्सा मंत्री के आवास पर जाकर के उनको बहुत बहुत बधाइयाँ दी, उनको मिठाई भेंट की गई, उनको माल्यार्पण किया गया, उनका स्वागत किया गया और उन्होंने जो है जल्द से जल्द नियुक्ति की जो है उन्होंने मांग की है, आचार संहिता से पहले नियुक्ति दी जाए। इसको लेकर के चिकित्सा मंत्री ने क्या कुछ बयान दिया, उसका वीडियो हमने पहले अभी अभी डाला है, वो जाकर के आप देख सकते हो। ये छोटे केडर वाले हैं जो उन्होंने चिकित्सा मंत्री जी का जो है स्वागत किया। इसी के अलावा दोस्तों बताना चाहेंगे, अन्य भर्तियों का क्या कुछ जो है प्रक्रिया चल रही है, आचार संहिता में होने वाले जो पेंडिंग कार्य है उनके दिशा निर्देश जो है जारी करने को लेकर, कैलेंडर जारी करने को लेकर के आज या कल में जो है कैलेंडर जारी किया जाएगा कि आचार संहिता के दौरान कौन कौन से जो है पेंडिंग कार्य जो है किए जाएंगे, उसके दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। और सहायक रेडियोग्राफर की जो है अंतिम जो चयन सूची है वो आज जो संभावित है जारी हो सकती है, अन्यथा कल तक जारी होने की पूर्णतया जो है संभावना बताई जा रही है। इसी के अलावा दोस्तों 19 मार्च को 18 राज्यों में जाएगी टीमें, जो 7 केडर के जो बाहरी राज्यों की जो डिग्री डिप्लोमाधारी है उनकी जाँच के लिए टीमें जाएगी। 19 मार्च को 20 टीमें गठित की गई है। जो होल्ड वाले अभ्यर्थी है, बाहरी जो डिग्री डिप्लोमा वाले जो अभ्यर्थी है, उनके लिए 18 राज्यों में टीमें जाएगी केवल 7 केडर के लिए। और फार्मासिस्ट भाइयों के साथ क्या कुछ छलावा किया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है इस वीडियो में, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसी के अलावा दोस्तों NMNO की कार्य प्रगति क्या कुछ चल रही है, उस प्रक्रिया के बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये जो बधाइयाँ दी गई है, 3 जो छोटे केडर है ECG दंत और नेत्र सहायक वालों ने जो है चिकित्सा मंत्री जी के आवास पर जाकर के उनको मिठाई खिला करके उनको भेंट की गई है। अब क्या कुछ कहना है सिया राम जी डोडवाड़िया का, यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने कहा है कि साथियों, आज अगर नेत्र सहायक, दंत सहायक व ECG की पदस्थापन सूची जारी नहीं हुई तो फिर सभी केडरों की नियुक्ति आचार संहिता के बाद एक साथ होना संभावित है। इन्होंने कहा है कि अगर आज जो है पदस्थापन यानी पोस्टिंग की जो है सूची जारी नहीं होती है तो सबको एक साथ आचार संहिता के बाद ही जो है नियुक्ति मिल सकेगी। आज के बाद अब कभी भी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग सकती है, तो दोस्तों आपकी जो आचार संहिता है वो 16 या 17 तारीख के आसपास जो है लग जाएगी। उम्मीद है आज या कल में जो है कैलेंडर रूप में जो है आचार संहिता में होने वाले जितने भी जो पेंडिंग कार्य है उनके दिशा निर्देश जारी होंगे। जो आचार संहिता के दौरान जितने भी जो पेंडिंग कार्य है वो किए जाएंगे, कौन कौन से कार्य किए जाएंगे आचार संहिता के दौरान जो है उनका कैलेंडर जारी करने को लेकर के जो है आज संभावना बताई जा रही है। इसी को लेकर के सहायक रेडियोग्राफर की अंतिम चयन सूची भी आज जारी होने की पूर्णतः संभावना है। फार्मासिस्ट के अलावा समस्त 7 केडरों की बाहरी राज्यों की डिग्री जांच हेतु 19 मार्च को 18 राज्यों में है जो टीमें जाना निश्चित है। अन्य जो राज्यों में है टीमें जाएगी, 20 टीमें जाएगी। जो होल्ड वाले अभ्यर्थी है, जो बाहरी राज्य के डिग्री डिप्लोमा वाले जो अभ्यर्थी है उनकी डिग्रियों की जांच के लिए टीमें रवाना हो जाएगी 19 मार्च को। इसी के अलावा दोस्तों बताना चाहेंगे, सिया राम जी डोडवाड़े के द्वारा ये सूचना दी गई है। इसी के अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों, आज ECG नेत्र सहायक और केडर के खिवा राम, आलोक शर्मा, भीषण शर्मिला, नेहा असवाल टीम के 20 से 25 सदस्य मंत्री जी के गजेंद्र सिंह खीवसर जी से मिले। सबसे पहले तो मंत्री महोदय का सभी लोगों ने फाइनल मेरिट सूची जारी होने पर आभार जताया तथा उसके बाद 3 केडर की पदस्थापन सूची के लिए मंत्री महोदय से आग्रह किया, जिस पर मंत्री महोदय जी का जवाब है कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी पोस्टिंग दी जाएगी। मंत्री जी ने उनके OSD को यह भी बोला कि जल्दी से जल्दी कार्यवाही करो और कोशिश करो कि आचार संहिता से पहले इनको नियुक्ति दी जाए। मंत्री जी का बयान है कि जल्द से जल्द इनको जो है नियुक्ति दी जाए।
बाकी फिर मंत्री मोदी जी ने होल्ड वालों के लिए बोला कि उनके भी दस्तावेज सत्यापन बाहरी राज्यों के जल्द से जल्द करवा लेंगे। दोस्तों सभी मिलकर कोशिश करो, मेहनत आपकी जरूर रंग लाएगी। अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन ANM और NO का भी आचार संहिता से पहले जारी हो सके इसके लिए प्रयास मजबूत चल रहे हैं। बताना चाहेंगे ANM और NO की जो है अनुभव सत्यापन का भी जो है लेटर जारी जो है आचार संहिता से पहले होने की संभावना बताई जा रही है, लेकिन नियुक्ति जहां तक संभावना है वो आपको आचार संहिता के बाद ही मिल पाएगी और आचार संहिता के दौरान आपके जितने भी जो पेंडिंग कार्य है वो किए जाएंगे, उनका कैलेंडर जारी होगा। और इसी के अलावा दोस्तों फार्मासिस्ट भाइयों के साथ छलावा क्यों किया जा रहा है, पिछले 10 वर्षों से 11 वर्षों के बाद ये भर्ती होने जा रही थी और इस भर्ती को लेकर के भी अब कुछ जो है सरकार का रवैया अलग ही नज़र आ रहा है। तो क्या कुछ जो है फार्मासिस्ट केडर के साथ छलावा के लिए चिकित्सा मंत्री पर लगे आरोप। फार्मासिस्ट केडर के साथ छलावा संघर्ष समिति के विश्वजीत मित्रा ने बताया कि आज फार्मासिस्ट भर्ती के अभ्यर्थियों का डेलीगेशन स्वास्थ्य मंत्री जी से मिला। मंत्री के द्वारा कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया और प्रोविजनल सूची आचार संहिता के बाद जांच होने के पश्चात आने का नाम लिया गया। स्टेट को ऑर्डिनेटर विश्वजीत मित्रा ने बताया कि 20 टीम में जांच की बना दी गई, मगर वह टीम में काम नहीं कर रही और हमेशा 11 साल की तरह इस साल भी फार्मासिस्ट केडर के साथ छलावा हो रहा है। यहाँ तक कि अन्य केडरों ने भी फार्मासिस्ट केडर को साथ में लेकर जब धरना प्रदर्शन किया था उसमें उनके द्वारा कसमें खाई गई थी कि जब तक फार्मासिस्ट केडर की प्रोविजनल सूची जारी नहीं होती है तब तक हम अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे, मगर उन्होंने हर बात की तरह फार्मासिस्ट केडर के साथ छलावा किया। तो ये सरकार से मैं अपील करना चाहूँगा कि इन फार्मासिस्ट भाइयों की भर्ती को भी जो है जल्द से जल्द जो है पूरा किया जाए और इन बेरोजगार युवाओं के साथ न्याय किया जाए, क्योंकि पिछले 11 साल के बाद ये भर्ती पूरी होने जा रही थी और इसमें भी जो है सरकार का कोई रवैया दिखाई नहीं दे रहा है। अब लगता है आचार संहिता के बाद ही इस भर्ती का कुछ समाधान हो पाएगा। अभी तक इस फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर के सरकार का कोई भी रवैया सकारात्मक नज़र नहीं आ रहा है। तो ये चिकित्सा विभाग की 8 भर्तियों को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों, हमने आपको वीडियो के माध्यम से साझा की है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नर्सिंग की पल पल की हर एक अपडेट आपको रोजाना हमारे इसी चैनल के माध्यम से 2 से 3 बजे के बीच में देखने को मिलेगी। चिकित्सा मंत्री ने क्या कुछ बयान दिया उसका वीडियो भी हमने अभी 10 मिनट पहले ही डाला है, चैनल पर जाकर के वीडियो आप देख सकते हो। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।